नमस्कार दर्शक मित्रों, आप જોઈ રહ્યા છો HBN TV News। તો જોઈએ આજના મહત્વના સમાચાર મહેસાણાથી। મહેસાણા જિલ્લામાં બહુચરાજી હારીજ રોડ ઉપર ગત 19 ઓક્ટોબરના રોજ વેપારીને લૂંટી લેવાના કેસનો ભેદ ઉકેલાઈ ગયો છે। કડી ખાતે કપાસનો વેપાર કરી હારીજના વેપારી નીતિન ઠક્કર વેપારીના રૂપિયા 68.69 લાખ લઈ કારમાં જતા હતા, ત્યારે 5 જેટલા લૂંટારાઓએ વેપારીને આંતરી લૂંટ ચલાવી હતી। जो कि બહુચરાજી पुलिस और LCB पुलिस हाथ धरेली तपास में आखिर पुलिस ने 5 में 3 लूटारू झड़पी पड़ा सफलता मिलता लूटनों भेद उकेलायो। पुलिस हाथ झड़पायेला 3 लूटारों पास थे 51.35 लाख कब्जे कर्या छे अने फरार 2 लूटारों ने झड़पी पड़वा पुलिस चक्रो गतिमान कर्या छे। ब्यूरो रिपोर्ट HBN TV News મહેસાણા। गई 19 तारीख रोज બહુચરાજી पुलिस स्टेशन हद में बनाव बनेल छे। बनाव मुजब फरियादी नितिन भाई ठक्कर जे हारीज मार्केट यार्ड में पोता एक पेढ़ी चलावे छे अने कपासनो छूटक व्यापार करे छे। ए हारीज थी कपास लावी अने कड़ी खाते वेचता होय छे अने कड़ी थी कपासना पैसा लईने हारीज जता होय छे। गई 19 तारीखे रातना समय लगभग 68 लाख करता वधारे किंमतना रोकड़ा रुपया लई अने जई रहेल हती। दरमियान हारीज रोड पर अजाण्या ईसमो आवी एमनी गाड़ी रोकी लाकड़ी वड़े गाड़ीना कांच तोड़ी अने एमनी पासेथी पैसा भरेलो थेलो छूटवीने भागी गई। बनाव बनता બહુચરાજી पुलिस तात्कालिक एक्शन में आ गई। सेम डे पुलिस शोधी काढ़ेलू के आनी पाछळ कई गैंग अथवा तो कोणे आ गुना ने अंजाम आपेल छे। आरोपीओ गुनो करी भागी गयेला। पुलिसे 4 दिवस में 3 आरोपी झड़पी पाड़ेल, बाकीना 2 आरोपी एना पछी झड़पी पाड़ेल। अत्यार सुधी में पुलिसे कुल 5 आरोपी की धरपकड़ करी छे। 5 आरोपी पासे थी 51 लाख करता वधारे रकमनी रिकवरी थई छे अने पुलिसनो टार्गेट 100% रिकवरीनो छे। हजु 2 आरोपी बाकी छे, बन्ने आरोपी आवता बाकीनी पण रिकवरी थवानी पूरेपूरी शक्यताओ छे। आ संपूर्ण कामगीरीमां બહુચરાજી पुलिस अने LCB पुलिसे खूब सराहनीय कामगीरी करी छे अने खूब ज टूंका समयमां एक मोटी लूंटने डिटेक्ट करी अने पूरेपूरी रिकवरी करी छे, ए बदल ए लोकोने खूब खूब अभिनंदन छे। ચોક્કસ અત્યારે હાલમાં વાત કરી તો એ લોકોને રેકી કરતા હતા કે કેવી રીતે આ ચોરી થઈ અને મુખ્ય સૂત્રધાર કોણ છે? આ ચોરીમાં આ લૂંટની અંદર ખરેખર તો ધાડનો બનાવ છે। આ ધાડની અંદર સંડોવાયેલા 7 આરોપી પૈકી 1 આરોપી જે ફરિયાદીની બાજુની ફેક્ટરીમાં ડ્રાઈવર તરીકે નોકરી કરે છે એણે ફરિયાદીની રેકી કરેલી। ફરિયાદી ક્યારે જાય છે, ક્યારે આવે છે, એની પાસે કેટલા નાણાં હોય છે